अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी नाजर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है अंडे वाले सैंडविच, और ये कैसे बनेंगे इसकी रेसिपी क्या है पूछते हैं मम्मा जी। मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये देखिए मैंने काली मिर्च डाल दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मैंने हरी मिर्च ली है, टमाटर है, प्याज है, ये अपने मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो अंडे वाले सैंडविच हैं वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। तो सिंपल अभी मम्मा ने इसके अंदर जो ब्लैक पेपर और सॉल्ट है वही ऐड किया है। फेंट लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई मेहमान आए, हल्की फुल्की भूख लगे ना तो उसमें ना ये बना लेते हैं। बाकी आपने हरी मिर्च टमाटर डाला इसके अंदर? हाँ जी, हरी मिर्च टमाटर, तो क्या कहते हैं प्याज, टमाटर जी देखे ना, टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज है, ज़्यादा कम आप कर सकते हो उधर आ जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। जी तो व्यूअर्स अब हम लोग आ गए हैं अपने चूल्हे की तरफ, और यहाँ पर जो है अंडा वो मम्मा डाल रहे हैं। तो ये सैंडविच के लिए जो अंडा है पहले हम लोगों ने फ्राई करना है, इनको हम स्लाइस के अंदर रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल कितना ये लग रहा है, ग्रीन वाइट रेड बहुत प्यारा। और हम लोगों ने जस्ट इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही ऐड किया है, अदरवाइज हमारा कोई स्पाइस नहीं है इसके अंदर। ये देखें आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये जो हमारा सैंडविच है ये बन रहा है। तो इसके लिए जो हमारे स्लाइस हैं उनको हम लोगों ने किस तरह का तैयार किया है वो आप लोगों को देखना होगा, क्योंकि ये जो अंडा है ये तो हमने आप लोगों के सामने बना लिया है, इसकी रेसिपी आपको बता दी है। जो हमारे स्लाइस हैं वो हम लोगों ने उनको मायनीस और केचप लगाया है, क्योंकि वो सिंपल स्लाइस के पीस नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा सैंडविच है ज़रा हटकर है और टेस्टी और हेल्दी है, इसलिए हम लोगों ने इसके जो स्लाइसेस हैं उनको केचप और मायनीस लगा लिया है। तो हम लोग वो बना रहे हैं, फिलहाल जो है हमारा अंडा फ्राई हो रहा है, तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसको फाइनल कैसे करना है, कैसे बनाना है। अब इसको मम्मा पलट रही हैं, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी टिक्की सी बन गई है। ये देखिए कितना इसको खिला लिया गया है, सेंटर से काट दिया है इसको ताकि इजीली इसको जो हम टर्न कर सके पलटा जा सके इसको। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लग रहा है दिखने में। ये देखिए कितना माशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा, बिल्कुल भी नहीं टूटा, और इसकी खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है। अच्छा जी, ये देखें मैंने मेयोनीज और केचप इनके ऊपर रखना है, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स हम लोगों ने आप लोगों को स्लाइस भी दिखा दी हैं, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो खुशबू को से सूंघकर पानी आ गया है। और इतने मज़ेदार जब आपके यहाँ बन रही हो चीज़, और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मोटा सारा ये जो हमारा अंडा बन गया है, बिल्कुल भी नहीं टूटा। हम लोगों ने तीन अंडे लिए थे हमने आपके सामने इसको बनाया, तीन अंडे लिए थे, नमक मिर्च प्याज टमाटर और हरी मिर्च, और इसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने शामिल नहीं किया। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये जो हमारे अंडे की टिक्की है बन गई है, कितनी मोटी सी, और ये बिल्कुल अच्छी और खुशबूदार और टेस्टी यहाँ पर बन रही है। तो आप लोगों से हम लोगों ने पीस भी दिखा दिए हैं कि हम लोगों ने कैसे हमने मायनीज और केचप लगाई है, जस्ट सिंपल हम लोगों ने, क्योंकि इसको हेल्दी बनाना है। तो अदरवाइज आप लोग चाहें तो इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अंदर अगर चाहें तो आप वैसे भी इसके अंदर आप लोग जो टमाटर की पीस है वो भी काट कर रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने इसको रखना है या नहीं रखना। तो हम लोगों ने जस्ट अंडे के अंदर से उसको ऐड किया है, बाकी आपकी टेस्ट के मुताबिक आप चाहें तो कुछ सब्जी वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक सैंडविच के भी मम्मा ने रख दिया, दूसरे सैंडविच के ऊपर भी मम्मा अभी अंडा रख रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हम लोगों ने सुना बाकी का हमें सैंडविच सारे के सारे तैयार कर लेने हैं। ये कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका आ गया, और अब ये मम्मा रख रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे सैंडविच है वो कैसे तैयार हो रहे हैं। जी तो व्यूअर्स अब देखें आप लोग यहाँ पर जो हमारे माशाल्लाह आज के सैंडविच हैं अंडे वाले वो तैयार हो चुके हैं, तो मैं आपको ज़रा करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें ज़रा फोकस हो जाए, ये देखिए माशाल्लाह ये मायनीज भी नज़र आ रहा है, केचप भी नज़र आ रही है, ये अंडा भी है, और ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखें आप। तो बहुत ही सिंपल सी जो रेसिपी थी हम लोगों ने आपको सैंडविच की सिखा दी है, अब चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं, इवनिंग में बनाएं, जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद जैसे सब्ज़ी वगैरह या चीज़ जो आप लोग चाहें
वो रख सकते हैं, आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो हम लोगों ने आपको सिखा दिए व्यूवर्स, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमें फ़ीडबैक दे, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।